एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्ब्रिया सर्वाइवल जर्नी। और ये वीडियो है क्यूए सीरीज, जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन सिर्फ यूट्यूब के कमेंट्स ही नहीं होंगे, बट इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी होंगे, जिसमें आप लोगों ने अपनी क्वेरीज जो है वो पूछी होती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा भाई एमडीआर टीबी पेशेंट है, टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम 16 मंथ, बट वो कंप्लेन कर रहे हैं अपर लेफ्ट पेन एंड इंसोमिया एंड एंजाइटी, प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, व्हाट शुड ही डू। सी गाइस, जो ये चीज़ें होती हैं ना, एक तो चेस्ट पेन जो है वो इवन ट्रीटमेंट के बाद भी आपको रह सकता है थोड़ा थोड़ा, या बीच बीच में आपको हो जाता है, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूज रहे तो यू शुड मीट अ डॉक्टर। और दूसरी चीज़ जो है, आपको कोई भी जो है हैवी लिफ्ट नहीं करना है, कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है, वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और सेकंड वजह इंसोमिया की, आपको नींद नहीं आती है, दो दो तीन तीन दिन तक नींद नहीं आती है, विच इज़ लाइक आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने आप को बिजी रख सकते हो, अपने माइंड को थोड़ा सा जो है, जैसे मैंने कहा था कि अपना स्केड्यूल बनाओ, जितना आपका जो है माइंड थोड़ा सा टायर्ड होगा ना, तो आपको जो है नींद थोड़ा जल्दी आ जाएगी। उसके लिए आप कुछ रात के टाइम जो है हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, जो मैंने किया था, या थोड़ा मूवी देख लो। अगर आपको नींद नहीं भी आती है तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे तीन तीन या दो जो दिन तक नींद नहीं आती है, ये जो है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं। इसको फाइट जो है आप बस इस तरह से कर सकते हो कि अपने आप को एक तो बिजी रख सकते हो, दूसरा अगर आपको नींद नहीं आ रही तो स्ट्रेस लेने की बजाय ना उस टाइम को यूटिलाइज कर लो, कहीं पर कोई नॉवल पढ़ लो, या फिर हनुमान चालीसा सुन लो, या फिर जो है आप कोई वीडियो देख सकते हो। एज इट इज़ कोई मेडिसिन या कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स से फाइट करना, इसके लिए आपको जो है विल पावर चाहिए। फर्स्ट थिंग जो है विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए आपको। और एंजाइटी से ये है कि देखो, ये मेडिसिन खा के ना ये सारी प्रॉब्लम्स आनी तो है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको मेडिसिन से ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन के टाइम वैसे ही हो रही, तो मेडिसिन के बीच में गैप दे लो, थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे लो, या फिर आपके पास मतलब सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन छोड़ सकते हो। अगर आपको एक लेवल होता है जिस तक आप सह सकते हो, उतना अगर आप सह पा रहे हो ना, देन कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन नहीं सह पा, आपको लगता है कि इज समथिंग दैट आई नीड हेल्प, ठीक है, तो आपको उसके लिए जो है काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपको लगता है कि उससे भी ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो आप जो है डॉक्टर से मिल सकते हैं, साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिस्ट, उन सबसे मिल सकते हो। हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल सजेस्ट यू मेडिसिन, मे बी सम थेरेपी और समथिंग लाइक दिस, तो वो आपको जो है ट्रैक में आने के लिए जो हेल्प कर सकता है। बट ये आपको जो है ऐसे सिम्टम्स है जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है मेडिसिन के कारण आपको होने ही हैं, तो अपना माइंडसेट वैसे रखें तो आपको जो है ये चीजें जो है वो कम इफेक्ट करेंगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम किसी का उठाते हैं यहां से। लेट्स सी, हिडन में मैं देखती हूं। यस, हे सिस्टर, हाउ आर यू देयर, आई एम ऑल्सो एमडीआर टीवी पेशेंट, ही हैज फिनिश्ड हिज ट्रीटमेंट इन नवंबर 2023, बट वो बोल रहे हैं कि उनकी स्किन जो है अभी तक डार्क है। विल इट टेक टू कम, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक टू नॉर्मल, प्लीज रिप्लाई। मैं आपको सबको बहुत बार बता चुकी हूँ कि स्किन इज नॉट समथिंग कि आज आपका ट्रीटमेंट खत्म हुआ कल वापस आ जाएगी, इट विल टेक 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, इतना ले सकती है। इसके साथ साथ जो आपको स्किन केयर सीरीज मैंने चलाई है, जिसमें फेस पैक बताया हुआ है, और एक मैंने वीडियो अभी डाली थी कि कौन से फूड्स है जो आपको अवॉइड करने चाहिए फॉर बेटर स्किन हेल्थ, तो आप वो भी देखिए, उन फूड्स को आपको अवॉइड करिए या बैलेंस फॉर्म में लीजिए, तो जो है स्किन जो है बेटर हो जाएगी। इट्स समथिंग कि ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन काली तो काली ही रहेगी, आपका स्किन टोन जरूर वापस आएगा, मेरा वापस आ गया, आपका भी वापस आएगा, लेकिन इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ योर पेशेंस, पेशेंस चाहिए थोड़ी सी, प्लीज़ ऐसा मत, मतलब मेरा कहने का मतलब भैया आपको और क्या चाहिए, अगर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ गए, तो आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए,
ठीक है, स्किन का कलर इज समथिंग जो बहुत सारे लोग जो है डार्क कलर के भी ब्राउन कलर के भी हैं, तो इतनी टेंशन लेने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका स्किन टोन जो है वापस आ जाएगा, कब वापस आएगा ये नहीं मैं बता सकती, टाइम लग सकता है और जल्दी भी वापस आ सकता है, ये डिपेंड इंडिविजुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। गाइज अब नेक्स्ट जो एक यूजर है वो बोल रहे हैं मैं मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज 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 मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ जिन जिनका टीबी का ट्रीटमेंट खत्म हो गया है वो आगे आए, अपनी जर्नी शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, इससे जो है लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है, तो उनको ये ऐसा लगता है कि यार इसने ट्रीटमेंट खत्म कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, इट्स नॉट जस्ट मी ओनली, बहुत सारे लोग हैं जो टीबी से जूझ रहे हैं, इवन फाइट कर रहे हैं और अपनी जर्नी को शेयर करें, तो प्लीज 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 जिनका ट्रीटमेंट जो खत्म हो गया है वो अपनी जर्नी जो है वो शेयर करें। नेक्स्ट है इसमें है कि मेरा 3 मंथ पहले ट्रीटमेंट खत्म हो गया है मगर मुझे रेड कलर का जो है वो कफ आता है, तो कोई डरने की बात तो नहीं है। सी अगर आपको एक पिंक कलर का तो आता है मेडिसिन के कारण, पर रेड कलर का आई एम नॉट श्योर, तो प्लीज़ चेक विद योर डॉक्टर इफ इट इज़ नॉर्मल और समथिंग जो कंसर्न आपको होना चाहिए, तो प्लीज़ चेक विद योर डॉक्टर। नेक्स्ट है मैं सेकेंड टाइम टीबी से फाइट कर रहा हूँ, ब्रेन टीबी अभी मुझे ट्रीटमेंट में ठीक से नहीं मिल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो और किस तरह से ले रहे हो, तो अभी मैं इस चीज़ पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। अगर आपकी किस तरह मैं हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज करें, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही होगा सबको, MDR__survivaljourney। नेक्स्ट है कि मेरा नॉर्मल मेडिसिन चल रहा है, मतलब सेंसिटिव टीबी की मेडिसिन चल रही है, 3 मंथ हो गए हैं बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो क्या मैं प्राइवेट से मेडिसिन खा सकती हूँ? अगर आपको प्राइवेट से सेम सॉल्ट की मेडिसिन मिल सकती है तो प्लीज़ अपनी मेडिसिन लें और कोई भी गैप बिल्कुल भी ना डालें। इवन कल या परसों मुझे एक मैसेज आया था, उसमें भी उनको मेडिसिन नहीं मिल रही, इथेनोमाइड मेडिसिन नहीं मिल रही थी, तो आई हैव कॉन्टेक्टेड सम ऑफिसर जो भी टीबी के उसमें काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि शॉर्टेज चल रही है, बट एनी हाउ वो जो है हिमाचल प्रदेश के हैं सारे, तो हिमाचल प्रदेश में किसी तरह से सभी पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन जो बाहर के स्टेट के लिए उनके पास अभी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं है, तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मेडिसिन पड़ी हुई थी नोमाइट तो प्लीज़ जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर दें, तो मैं जो है उस पर्सन का आपका कॉन्टैक्ट करवा दूंगी ताकि उनको वो मेडिसिन जो है मिल सके और वो अपने जो है पूरा ट्रीटमेंट लें, कोई गैप उसमें ना डले। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है, अजीब सा दिमाग लगता है, चेस्ट में भी दर्द है, प्लीज़ रिप्लाई। गाइज ये सारी चीज़ें ना कि ऐसा लगता है कि पत्नी व्हाट्स गोइंग ऑन, जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसा होता है सबके साथ, बट अपने आप को संभालें, अगर आप अपने आप को संभाल लोगे ना तो मतलब आप कुछ भी चीज़ जो है लाइफ में कर सकते हो। आपको ऐसा अजीब लगता है तो आई थिंक आपके जो मंथ स्टार्टिंग मंथ्स में ही होंगे आप ट्रीटमेंट के, जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन जैसे जैसे जो टीबी का ट्रीटमेंट जो है वो चलता है और थोड़ा सा टाइम आपको हो जाता है, मेडिसिन खाना जो है पचाना शुरू हो जाते हो आप, तो थोड़ा सा आपको बेटर फील होता है, तो ऐसा ना लगे कि ज़िंदगी यही है, आपको आगे बहुत बेटर ज़िंदगी जो है मिलने वाली है, बस ये थोड़ा सा टफ फेज है जिससे आपको निकलना है। नेक्स्ट है मैम मेरा क्या आपका नंबर मिल सकता है, मेरा टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लीज़ आपसे कुछ जानकारी चाहिए जी। अगर आपकी एक आधी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8351039169 पे, लेकिन अगर आपका बहुत सारी क्वेरीज है, लॉन्ग असिस्टेंट चाहिए ज़्यादा, मतलब आपको चाहिए कि मुझे डेडिकेटेड टाइम मिले, तो आप एक काउंसलिंग सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। मैम मेरा MDR पेशेंट हूँ, ट्रीटमेंट को 8 मंथ हो गए, मुझे माउथ बर्निंग हो गया, प्लीज़ हेल्प मी। देखो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं जिसकी वजह से जो है वो छाले पड़ जाते हैं, तो इसके लिए एक ऑइंटमेंट आता है, वो डॉक्टर से बात करें वो आपको ऑइंटमेंट वो बता देंगे, तो उन जहाँ पे भी मतलब माउथ बर्निंग हुई पड़ी है आपको वहाँ पे वो लगाएंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप ऐसी चीज़ें भी खाएं जिनकी तकसीर थोड़ी ठंडी होती है, जैसे कि कच्ची लस्सी, उसे अगर आपने मेडिसिन वगैरह खाई होती है ना तो वो आपको जो है जितनी भी गर्मी आपकी बॉडी में होती है ना उसको वो निकाल देती है वॉशरूम के थ्रू, तो इसलिए जो है आप कच्ची लस्सी जो है
जो आपका मेडिसिन होता है ना उसके 1-1.5 घंटे बाद जरूर लें। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल एक जाएगी। कमेंट और है जिसमें बताया था कि यस मुझे भी था, इट वाज अबाउट रिलेशनशिप और शादी समथिंग, उससे रिलेटेड मैंने कोई वीडियो बनाई थी, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे भी टीबी था और उन्होंने जो है मुझसे शादी की 1.5 ईयर हो गया, सेम सिचुएशन थी। लेकिन क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी किसी का रिश्ता हो जाता है फिर टीबी हो जाता है, तो वो रिश्ता में ऐसा हो जाता है कि नहीं अब शादी नहीं करनी है, लड़की को टीबी है या लड़के को टीबी है, तो वैसी सिचुएशन हो जाती है। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड थी, उसमें मतलब पॉजिटिव चीज़ ये मेरे को एक अच्छी लगी कि हर कोई ऐसा नहीं होता है, देयर आर सम पीपल जो कि समझते हैं चीज़ों को, अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके। नेक्स्ट है, मेरे मेडिसिन ले 2 मंथ हो गए हैं, मेरे फेस स्क्रीन में बहुत दाना हो गया है, ब्लैक कलर का, क्या करूं, मुझे एमडीआर टीबी है, प्लीज़ हेल्प। अभी आपको 2 महीने हुए मेडिसिन लेते हुए, तो अभी तो स्किन में पिंपल्स वगैरह सब कुछ होना है अभी, तो आप डरिए मत। ये प्रॉब्लम जो है विद जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी ना, जब 5-6 महीने बाद ये प्रॉब्लम थोड़ी दाने वगैरह जो होते हैं पिंपल वगैरह तो ये कम हो जाती है, बट जो डार्क स्किन का है, डल स्किन का है, रेड स्किन का इशू जो होता है वो आफ्टर ट्रीटमेंट ही ठीक होता है। नहीं होता मैडम, सब ट्राई किया मैंने और ज़्यादा होता है तो डॉक्टर बोले मुझे टाइम लगेगा। मैं भी सबको यही बोल रही हूँ कि स्किन का जो कलर है ना डनलेस वाला, वो एकदम से नहीं ठीक होता गाइस, नहीं ठीक होता, टाइम लगता है, टाइम लगता है। मैं वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, वही चीज़ डॉक्टर भी बोल रहे हैं। सो अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। हेलो मैम, नीड टू टॉक। सो अगर किसी को बात करनी है, क्वेरीज है बहुत सारी, तो मैंने पहले भी कहा है काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं आप कोई इसमें, बट काउंसलिंग सेक्शन बस उनके लिए जिनको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सो नेक्स्ट टाइम, मुझे एमडीआर टीबी हुआ था 6 साल पहले, लेकिन अब मुझे थोड़ा पसलियाँ और मैं दर्द है, शोल्डर पेन हो रहा है, इट माइट बी वीकनेस, ऐसा है कि मतलब वीकनेस रहती है, आप अपने डाइट वाइट का ध्यान रखें, अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप डॉक्टर से जाके मिलें, मे भी कुछ और इशू ना हो जो मैं जो है बताना सकूं आपको, तो क्योंकि टीबी तो 6 साल पहले हुआ तो उससे रिलेटेड तो नहीं होगा कुछ अभी, तो प्लीज़ जाके डॉक्टर से मिले। सो गाइस, अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी वीडियो क्यूए सीरीज जो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जिसका आप आंसर चाहते हो कि आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्यूए सीरीज वीडियो के थ्रू आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।